सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। जो लोग सैमसंग गैलेक्सी A50 का वेट कर रहे थे, तो भाई लोग इस फ़ोन की जो प्राइजिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी A50 की प्राइजिंग क्या हो सकती है। अगर हम लोग बात करें तो कुछ दिन पहले ही सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में पता चला था, उसके ऊपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के दे दिया था कि सैमसंग गैलेक्सी A50 में ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A50 जो आने वाला है, ये होगा सैमसंग की तरफ से एक मिड फ्लेक्सिब स्मार्टफोन। यहाँ पर आपको मिलने वाला एक्जिनोस का 9610 का चिपसेट, साथ में 4GB का रैम मिलेगा, एंड्रॉयड पाई आपको आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, और एक कैमरा जो होगा जो आपको मिलने वाला है बैक साइड में वो होगा 24 मेगापिक्सल का। तो 24 मेगापिक्सल का आपको सेंसर मिलेगा और 4000 mAh की हम लोग को बैटरी देखने को मिलने वाली है। तो ये सब बात तो आप जानते ही हैं और फ़ोन ओवरऑल काफ़ी अच्छा होगा। कुछ बातें भी निकल के सामने आ रही थी कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि हम लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ सोर्स बता रही है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल सकता है। अगर मिलता है तो बहुत ही बढ़िया वाली बात होगी, और नहीं मिलता है तो फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन यह सैमसंग का एक मिड फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होगा जो कि हर साल सैमसंग लॉन्च करता है। और अगर हम लोग बात करें तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी A50 की प्राइजिंग क्या हो सकती है। अगर हम लोग स्पेस के ऊपर नज़र डालें तो फ़ोन तो ठीक रहेगा, लेकिन इस फ़ोन की जो प्राइजिंग है वो लगभग 25,000 के आसपास हो सकती है। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी A50 की प्राइजिंग जो है वो 25,000 के आसपास हो सकती है जहाँ तक बताया जा रहा है, क्योंकि सैमसंग का A10 भी आने वाला है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा, 4 कैमरा आपको देखने को मिलने वाला है, तो उसकी प्राइजिंग 30,000 से 35,000 रुपीज़ होने वाली है। लेकिन सैमसंग इतने ज़्यादा अगर फ़ोन लॉन्च कर देगा एक ही प्राइजिंग सेगमेंट में, तो फिर लोगों को कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा कि भाई हमको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। हालांकि सैमसंग का जो A50 है वो आपको जनवरी में ही देखने को मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया वाली बात है, और ये एक मिड फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन का सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग का A सीरीज काफ़ी पॉपुलर होता है सभी जगह में, तो देखने वाली ये बात होती है कि सैमसंग इस फ़ोन की जो प्राइजिंग है वो क्या रखता है। अगर हम लोग बात करें तो सैमसंग अभी काम कर रहा है अपने LCD डिस्प्ले में कर्व एज के साथ। जी हाँ, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि सैमसंग के जो फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है सैमसंग का S सीरीज और नोट सीरीज, उसमें आपको एज डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो सैमसंग आप मिड रेंज या फिर आप मिड फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में भी आपको एज डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो डिस्प्ले होगा वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि वो एक LCD डिस्प्ले होने वाला है। तो आपको एक चीज़ तो बढ़िया दे रहा है, लेकिन दूसरा चीज़ आपको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। मतलब सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, लेकिन आपको अगर कर्व मिलेगा मतलब एज मिलेगा तो आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। तो सैमसंग अपने मिड सेगमेंट को लेकर अभी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है कि भाई आपको अच्छा काम करना ही पड़ेगा, तभी जाके लोग आपको पसंद करेंगे। तो सैमसंग के A50 के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो ही बना दूँ। तो अगर आप लोग नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को ये पता चल जाए। और अगर आप लोग नए हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।